हाँ सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे 10,323 के जितने शिक्षक गण आए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपका उनके उनका जो मानव बंधन आज उनका कार्यसूची है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, और जो उन लोग वो लोग आए हैं उनका जो कहना है कि उनको रीएलोकेशन करवाने के लिए जो सरकार के पास उनका रिक्वेस्ट है, वो सरकार कहाँ तक सुनने वाली है या मानने वाली है? सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं को आपको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। अभी 10,323 का मुद्दा ये त्रिपुरा में सबसे हॉट मुद्दा है, सेंसिटिव बर्निंग इशू है, और इसके ऊपर कई दिन से आपने देखा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा एक सिचुएशन बना हुआ था। अब सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह जी जब आए हैं तो उन्होंने एक मीटिंग किया था 28 सितंबर को इसी साल, और उसके चलते आज उसी डिस्कशन को जॉइंट मूवमेंट कमेटी के थ्रू जो आगे उनके आरटीआई के ऊपर जो सवाल निकले हैं कि जो पार्टी नहीं है उनको निष्कासित किया गया है, रिक्रेच किया गया है, और जो एक्सक्लूडेड है पार्टी जो नहीं है उसमें उनको भी डिप्राइव किया गया है, तो उनका जॉब रिस्टोर किया जाए और जो भी लेजिटिमेट और लीगल मीन्स है जो स्कोप है उसके अंदर एक सोल्यूशन देखने का प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और रिटर्न टीचर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका एक कमिटी विद द लीगल काउंसिल ऑफ टीचर्स, उनका एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है और एक पॉजिटिव डिस्कशन हो रहा है। वी होप कि इनको एक पॉजिटिव कुछ उसका रिजल्ट मिले और जल्द से जल्द इनका जॉब रजिस्टर हो, इससे खुशी का बात और कुछ नहीं हो सकता। सर, जैसे कि आपको पता ही होगा गुजरात में बीजेपी आ गई है और हिमाचल में बीजेपी हार गई है, वो भी एकदम नेग्लिजिबल मंच से, लेकिन हार गई है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले निर्वाचन में हमारे त्रिपुरा में? ना देखो, इम्पैक्ट की पॉलिटिकल साइड का एंगल हो जाता है कि उसका पॉलिटिकल रिप्रिकॉशन अलग होगा, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। 10,323 का मुद्दा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डील किया जा रहा है, एक सरकारी स्तर पर हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी जो अभी डील कर रहे हैं इसको, ये एक पॉजिटिव इंसान है, और पॉजिटिव इंसान जब कुर्सी पर बैठा होता है तो पॉजिटिव चीज़ें होने की संभावना है, तो एक पॉजिटिव इंसान आपके राज्य का मुख्यमंत्री है, 10,323 के प्रेजिडेंट टीचर्स ने भी जो उनको एक डिस्कशन के साथ एंगेज हुए हैं विद अ पॉजिटिव माइंड विद एक्सपेक्टेशन होप कुछ आउटकम निकले, तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिविटी बना रहे और एक पॉजिटिव आउटकम ही आए। और रही बात आपके सवाल की पॉलिटिकल रिपरकशन की, तो राजनीति में हिमाचल के रिजल्ट ने ये सिखाया है सबको कि सत्ता में कोई ज़्यादा दिन कंटिन्यूसली इटर्नली बना नहीं रहता, तो सत्ता आता है जाता है चलते रहता है, दैट शुड नॉट बॉदर द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द पब्लिक लाइफ। तो त्रिपुरा में आने वाले दिनों में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और बीजेपी के लिए या और जो पार्टी हारी है उनके लिए आपके चिंतन का विषय ज़रूर होगा, और जो जीते हैं उनको भी मतलब समीक्षा की जरूरत है कि उनको भी और बेहतरी की तरफ बढ़ना है और अच्छा लोगों को काम देना है। तो कांग्रेस के जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं और उनको और बीजेपी का जो मेजर एक थम्पिंग मेजॉरिटी हिस्टोरिकल विक्ट्री जो हुआ है उसके लिए उनको धन्यवाद, और अच्छे और गुजरात में अच्छा काम हो, लोगों का हित का जो है समाधान हो, और त्रिपुरा में आने वाले दिन में जो बेहतरी की तरफ काम करना है सरकार को और सब पार्टी को, विपक्ष रूलिंग पार्टी, तो इनको अच्छे से पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है। सर, पिछले दिनों में देखा गया है कि आपने जैसा मेरे YouTube चैनल में एक बाइट दिया था उसके मुताबिक देखा गया है कि बहुत सारे व्यूअर्स हुए थे आपके, वो आपने जो बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। मैं जानता हूँ, आपने पूछा था उस वक्त कि हाँ। ये पिटीशन जो फाइल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल जी के माध्यम से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है मुख्यमंत्री स्तर पर रिटर्न टीचर्स का, तो आई थिंक कि वो जो डिस्कशन है उसको साबोटाज नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा 3 महीना 2-3 महीना रुक के आपको जाना है, बाद में जाइए, प्रोग्राम इट्स योर राइट, वो अधिकार आपका है, लेकिन जब सरकार के एक विश्वसनीय मुख्यमंत्री उस स्तर पर बैठ के आपसे वार्तालाप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी अपना एक पॉसिबिलिटीज और उस सोल्यूशन को, वाइबल सोल्यूशन को ढूंढने का मौका देना चाहिए, और आई थिंक 10,323 के लोग ने वो उनके पास रखा है और देयर कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन, और वी होप दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर, मुख्यमंत्री गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा, मुख्यमंत्री मानिक साह जी खुद इसमें इनिशिएटिव लेके इनसे बात कर रहा है, तो आई होप कि कुछ आगे इसमें कुछ पॉजिटिव आए, ये आशा करते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई लोग 145 लोग इस दुनिया से चल बच्चे देख रहे हैं टीचर्स, कई उसमें से 10-12 सुसाइड केस है, तो थोड़ा सा इसको
मानवता के दृष्टिकोण से देख के इसमें जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है उसको टटोल के क्या वाइबल ऑप्शन निकल सकता है इसको देखना जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी इसके अंदर अपना जो भी कौशल्य है लगा रहे हैं और कुछ पॉजिटिव आता है तो इट्स मोस्ट वेलकम। इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ नहीं। मुझे लगेगा कि रही बात असेंबली इलेक्शन में कोई भी जीते मुझे उसमें इतनी खुशी नहीं होगी। ये डिप्राइव अनएम्प्लॉयड लोग है, ये त्रिपुरा के जो लोग हैं वंचित लोग हैं इनको राहत मिले ना, इससे ज़्यादा खुशी मुझे इलेक्शन जीतने से भी मिली। सर दो महीने पहले भी आपने अपने फेसबुक पेज पे एक अपडेट दिया था कि हिमाचल में 50-50 होने वाला है, बल्कि आपने बाकायदा बोल दिया था। मैंने दो महीने पहले बीजेपी हारने वाली थी वो आपने प्रेडिक्ट कर लिया था। प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले किया था क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमको पता है कहाँ क्या हो रहा है, पानी कहाँ जा रहा है। तो मुझे पता था कि हिस्टोरिकल जीत होगी बीजेपी की और हिमाचल में थोड़ा सा कॉन्ट्ररी रिजल्ट आ सकता है, उसके लिए बीजेपी को तैयार होना, तो शायद एक उनके लिए अभी आत्मपरीक्षण का मौका है। और यही आत्मपरीक्षण करके वो आगे आने वाले नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में आसाम त्रिपुरा अपना त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में अपनी रणनीति बनाए और हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना अच्छे से अच्छे बेहतर से परफॉर्मेंस दे इलेक्शन में। सर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि हमारे जो सदर SDPO अजय सर जी है तो वो नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं, तो उसमें देखा गया है कि उन्होंने जो अपना काम किया था उसके बाद उनके अगेंस्ट में डेपुटेशन जमा किया था वहाँ बनवालीपुर से जो मंडल सभापति है। अगेंस्ट का जो वर्ड आता है तो आई वुड लाइक टू इंटर, अगेंस्ट का कोई काम कर नहीं रहे, जो पब्लिक को सालों से चाहिए था वो SDPO जो आपके सदर के है अभी अजय कुमार दास, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज त्रिपुरा पुलिस सर्विस ऑफिसर। यस, इससे पहले जो सदर के SDPO रहे तापस जी, इससे पहले जो रहे हैं 2018 बैच के IPS ऑफिसर रमेश यादव जी जो IPS है डायरेक्ट और आज जनरल के SP है नॉट रॉन्ग, वो जब SDPO थे तो 8 सितंबर 2021 को जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ आज जमीन का जो मामला हुआ तो वो लॉ एंड ऑर्डर उसके बाद जो अटैक्स और अभी का सदर का पुलिसिंग और आप जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का सदर टीम ने जो प्रयास किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO अजय कुमार, ये सराहनीय है, ये सराहनीय है और उसका श्रेय एक अच्छे मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए कि उनके आने उनके सीरियसनेस के बाद उन्होंने पुलिस को एक क्राइम कंट्रोल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनसे ये आशा रखी है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और दूसरी बात, जब से DGP राधिका रंजन जी आए उन्होंने एक मुहिम चलाई है स्पेशल ऑपरेशन को, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि VS यादव जी के टाइम पे ऐसा कभी होता नहीं था। हमने खुद हमारे स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होते थे तो VS यादव जी को फ़ोन करने का प्रयास किया तो कभी उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, दादा रिक्वेस्ट नहीं हुआ। सो थैंक्स फॉर VS यादव दैट इज नॉट एनी मोर इन द स्टेट और आई वेलकम द न्यू DGP उनके नेतृत्व में पूरी त्रिपुरा की पुलिस अच्छे से काम करे और कुछ लूपहोल से इसको रिस्टोर करते हुए और सुधार इसको ऐसी आशा करें। सर जैसे जाते 123 शिक्षक शिक्षिका के लिए आपका क्या संदेश? सदर पुलिस को तो मेरा विशेष रूप से धन्यवाद क्योंकि मैं 9 साल से पूरा से जुड़ा हूँ, 8 साल का लॉ एंड ऑर्डर, अभी 3 महीने का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में मैं देख रहा हूँ, बहुत इसके अंदर बहुत बदलाव है एंड आई शुड अप्रिशिएट दैट त्रिपुरा पीपल ऑफ त्रिपुरा द कॉमन सिटीजन ऑफ त्रिपुरा शुड स्टैंड इन द पुलिस इन द फेवर ऑफ पुलिस। जब अच्छा काम करते हैं, जब बुरा होता है तो पूरा आलोचना करने के लिए रस्ते पे होते हैं, मुहिम छेड़ते हैं, मोर्चा लाते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तब भी आप अच्छे ऑफिसर की कदर कीजिए वरना आपको पुलिस फिर वैसे ही मिलेगी जैसा आपका रवैया हो। जी बिल्कुल। तो सर सबसे आखिर में आप 10,330 को क्या शिक्षक इनका तो क्या संदेश चल रहा है, इनको तो शुभकामनाएं हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते उन्हें हमारी पार्टी की तो ये भावना है कि जो डिप्राइव्ड है हमारी पार्टी को यही फेवर में काम करते हैं कि जो जो पिछड़े हैं जो अफेक्टेड है इनको उनका लीगल राइट मिले उनको सोल्यूशन मिले और 10,300 ये भी त्रिपुरा के भाई बहन है हमारे बाकी जैसे आप सभी लोग हो तो हमारे तो भावना सभी के साथ है कि हम पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं तो उनको अगर राहत मिलती है नथिंग गुड लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।